also myself. जी हम आज बात करेंगे यहाँ पे जो ये डिसीजन लिया गया है अमरनाथ यात्रा की बारे में जो रिस्ट्रिक्शन है रोड्स पे, ये शायद बहुत कम लोग जानते हैं। और मैं आज ये डायरेक्ट बात कर रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से, श्री अमित शाह जी से और गवर्नर सत्यपाल मलिक जी से और उनकी तमाम इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी अपैरेटस से। क्या आपको ये पता है कि लॉर्ड शिवा और जो आपकी माँ पार्वती, उन्होंने 1850 में एक कश्मीरी मुसलमान को जिनका नाम बटा मलिक था, वो बटकूट के थे पहलगाम से, लॉर्ड शिवा ने एक कश्मीरी मुसलमान को चूज किया और उनको दिखाया अपना घर जिसको आप आज अमरनाथ केव कहते हैं, वहां पर उनको लिया और बताया कि मैं यहां रहता हूं, मेरे हिंदू भाइयों को यह जगह दिखाओ और उनको यह रास्ता दिखाओ यहां आने का। जब लॉर्ड शिवा ने एक कश्मीरी मुसलमान को इंतखाब किया अपना घर दिखाने के लिए आप सबको, आज आप उसी मुसलमान को रास्ते नहीं चलने दे रहे, ये क्या बात है, ये कौन सा डिसीजन है? इस डिसीजन पर आप मेहरबानी करके दोबारा गौर खोज कीजिए। 100 साल से एक कश्मीरी मुसलमान अपने एक हिंदू भाई को, एक बुजुर्ग को, बहन को, एक माँ को अपने कंधे पे उठाता है और उस जगह पे ले जाता है जिस जगह को लॉर्ड शिवा ने एक कश्मीरी मुसलमान को दिखाया था आपको दिखाने के लिए। जब 100 साल किसी पर हमने अटैक किया, कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई, तो आज क्या ये जरूरत पड़ी है कि हर जगह पर आपने कदगन लगाया है? लाखों लोग सफर करते हैं इस डिसीजन से, रास्ते पे चलना मुश्किल है और आपने ये डिसीजन तब लिया है इस तरीके से कंडक्ट करना अमरनाथ यात्रा को। हालांकि ये करना चाहिए था यहाँ के लोगों को, हमारी गवर्नमेंट की सिक्योरिटी अपैरेटस के साथ मिलकर सेफ्टी हमारा काम था ये देना, सेफ्टी फौज का काम नहीं है देना जैसे होता था। और आपने सिलेक्ट किया कि नहीं, आप घंटों रास्ता बंद करें अनंतनाग से पहलगाम तक, फिर यहाँ पर आएँ आप श्रीनगर, यहाँ से जाएँ बालतल। और ये यात्रा उस टाइम पे है जब इस वक्त टूरिज्म का पीक सीजन है, तो एक तो आपने एक कश्मीरी को शक की नज़र से देखा है जो 100 साल से आपको कंधे पे उठाकर अमरनाथ जी की यात्रा, पवित्र गुप्ता की, पवित्र गार की यात्रा वहाँ पर कराते हैं लॉर्ड शिवा के आस्थान पे। और दूसरा, आज आपने ऐसा कदगन लगाया है, घंटों रास्तों पे रुकना पड़ता है और आपने टूरिज्म, जो हमारी बेसिक रीढ़ की हड्डी है हमारी इकोनॉमी की, आपने उसको तोड़ दिया। पूरे हमारे होटलियर्स, टैक्सी वाले, शिकारा वाले, घोड़े वाले, यहाँ के जो टूरिज्म पर डिपेंड करते हैं, आपके इस डिसीजन से जो भी टूरिस्ट यहाँ पर है उसको भी वही ये बर्दाश्त करना पड़ता है, ये सख्ती जो यहाँ का कश्मीरी बर्दाश्त करता है। और आलम यह है, आज लोग यहाँ पर टूरिज्म के लिए आ ही नहीं रहे हैं, जो वो कहते हैं कि जब तक यहाँ पर यात्रा चल रही है हम लोग वहाँ पर नहीं आएंगे, कुछ पता नहीं है वहाँ क्या होगा और वहाँ तो रास्ते सीधा चलने नहीं दे रहे हैं। सो मेरा मुतालबा गवर्नर से, होम मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर से कि मेहरबानी करके इस डिसीजन को आप दोबारा देखें, इसको रिव्यू करें। और मेरी खसूसन आपसे गुजारिश है, यहाँ के जितने भी टूरिस्ट टूरिज्म के साथ वाबस्ता अंजुमने हैं उन सब से कि भाई आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कॉम्पनसेशन मांगे ऑफ द लॉसेस दैट द कश्मीर डिवीजन हैज सफर्ड बिकॉज ऑफ दिस डिसीजन, जिससे हमारे टूरिस्ट यहाँ से बिल्कुल गायब हो गए हैं, आना नहीं चाह रहे हैं। सो आपको वो कंपनसेट करना पड़ेगा, बिकॉज द डिसीजन बाय द प्राइम मिनिस्टर, बाय द होम मिनिस्टर एंड
by the governor and their security apparatus is totally wrong. बिल्कुल गलत decision है।